हेलो दोस्तों, मैं हूं विरल ज्ञान मेंट से। आज हम समझेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, क्या उसके पार्ट्स है, कितने टाइप के कूलिंग टावर है, ये सब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कूलिंग टावर पहले तो काम कैसे करता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि कूलिंग टावर इज अ डिवाइस यूज टू रिमूव प्रोसेस हीट। ओके, प्रोसेस हीट इट मीन्स कि आपके पास हीट एक्सचेंजर है, कहाँ भी एक है जो हमारे को हीट लोड जनरेट कर रहा है, और वो जो हीट लोड है उसको हम वाटर के थ्रू कूल करते हैं, और वो जो वाटर गर्म हुआ उसको हम कूलिंग टावर में इनपुट करते हैं। जैसे ही कूलिंग टावर डालेंगे तो क्या होगा, वो कूल होगा और कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये कैसे होता है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स टू द सराउंडिंग एयर बाय द ट्रांसफर ऑफ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट। तो दोस्तों, कोई भी कूलिंग टावर में ये बहुत जानना जरूरी है कि सेंसिबल और लेटेंट हीट क्या है। अभी आपने जो एयर हमारी ट्रांसफर हो रही है और वो गर्म वाटर अंदर से आ रहा है, हॉट वाटर, तो वो दो बीच में टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा। टेम्परेचर कोल्ड एयर में जाएगा और वाटर को ठंडा करेगा, तो वो जो हुई वो एक सेंसिबल हीट है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है बट फेज चेंज नहीं होता है। फिर हमारे कूलिंग टावर में एवेपरेशन लॉस होता है। एवेपरेशन लॉस में क्या है कि हमारा जो थोड़ा जो वाटर आ रहा है उसमें से कुछ वाटर एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स एवेपरेट हो जाता है, तो वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट में क्या है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है बाय मीन्स ऑफ फेस चेंज, और सेंसिबल हीट में टेम्परेचर ट्रांसफर होता है बट फेस चेंज होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझना जरूरी था कि कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है। अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या है, नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट मतलब हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर का एक बड़ा सा, आपने देखा होगा न्यूक्लियर प्लांट और बहुत जगह लगा होता है, तो उसके लिए मतलब क्या है, बहुत ज्यादा आपका फ्लो है 45,000 मीटर क्यूब पर आवर, और तो वो एक अलग उसकी रिक्वायरमेंट है। और जनरली यूज होता है इंडस्ट्रियल में मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप, उसमें काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो में इंड्यूस ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट, ये सब रहते हैं। चलिए, सबका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है वो हम आज समझते हैं। अभी पहले देखिए काउंटर फ्लो टावर। अभी काउंटर फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट, पहले तो इंड्यूस ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैन लगा हुआ है वो ऊपर लगा है, वो क्या करेगा, यहाँ से एयर सक करेगा और यहाँ से बाहर निकालेगा, इसके लिए ये ड्राफ्ट को इंड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स इंड्यूस ड्राफ्ट। अभी बोलेंगे काउंटर फ्लो क्यों बोल रहा है, तो भाई काउंटर फ्लो किसको बोलते हैं, यहाँ से देखिए आप, मेरे वाटर क्या है, ये फिल्स है, उसपे से होके आ रहे हैं, आ रहे हैं, और यहाँ से जो एयर सक किया वो भी यहाँ से सीधी जा रही है, तो मेरा एयर और वाटर ये दोनों का काउंटर में वो होगा, उसका हीट ट्रांसफर, इसके लिए इसको काउंटर फ्लो बोलते हैं। दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इसको काउंटर फ्लो बोलते हैं। अभी ऐसे ही आप क्रॉस फ्लो देखेंगे तो क्रॉस, ये भी इंड्यूस ड्राफ्ट है क्योंकि फैन ऊपर है, ड्राफ्ट इंड्यूस कर रहा है, पर इसको क्रॉस फ्लो क्यों बोला गया, यहाँ से देखिए मेरा वाटर आ रहा है, ये वाटर मेरा आ रहा है और एयर कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो एयर मेरी हॉरिजॉन्टली जाएगी और यहाँ से निकलेगी और वाटर मेरा वर्टिकल आएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ये फिल्स पे, तो इसके लिए दोस्तों इसको क्रॉस फ्लो बोलते हैं। अभी फोर्स्ड ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट देख लिया, फोर्स्ड ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर जैसा लगा होता है फैन, जो नीचे से हवा को ऊपर फेंकता है, इसके जैसे नहीं ऊपर लगा है, ये नीचे लगा है, तो यहां से हवा जाएगी, इसके लिए ये हम ड्राफ्ट क्रिएट फोर्सफुली कर रहे हैं, दैट्स अ फोर्स ड्राफ्ट। और ये जैसा मैंने आपको बोला हाइपरबोलिक काउंटर फ्लो नेचुरल ड्राफ्ट टावर, तो ये क्या नेचुरल हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर, और ये 500 फीट, 350 to 500 फीट बड़ा होता है, मतलब ये स्पेस और उसका रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा रहता है इसमें, तो ये बहुत कम यूज होता है, जहां पे प्रोसेस रिक्वायरमेंट हाई रहती है वहां पे ये यूज होता है। तो दोस्तों समझ गए, काउंटर फ्लो किसको कहते हैं, क्रॉस फ्लो किसको कहते हैं, इंड्यूस ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट और ये नेचुरल ड्राफ्ट टावर। ओके, अभी दोस्तों हम जाएंगे मेन टर्मिनोलॉजी ऑफ द कूलिंग टावर कैसे काम करता है, उसमें पैरामीटर्स कौन कौन से देखने चाहिए। ठीक है, ये देखिए कूलिंग टावर में यहाँ हॉट वाटर आता है, यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है, ये वेटेबल टेम्परेचर है। रेंज, रेंज किसको कहते हैं, कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, देख रहे हैं ना आप, ये रेंज क्या है, कूलिंग वाटर का इनलेट और आउटलेट का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोलते हैं। जितना रेंज मेरा ज्यादा मतलब कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा। अप्रोच, अप्रोच क्या है कि जो मेरा कूलिंग टावर का कोल्ड वाटर आया और मेरा जो
वेट बल्ब टेम्परेचर है एम्बियंट, वो दोनों के बीच का डिफरेंस उसको अप्रोच बोलते हैं। जितना अप्रोच कम उतना कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस अच्छा, ठीक है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस जो है वो रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। इट मींस के क्या है, ये रेंज दिख रहा है ना आपको, रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। तो कूलिंग टावर का ये जो फॉर्मूला दिया है वो आपको इफेक्टिवनेस परसेंटेज में मिलेंगे, कितना परसेंट तक आपका कूलिंग टावर का एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है। और ये कूलिंग कैपेसिटी, कोई भी बोलता है ना कितने टीआर का कूलिंग टावर है आपका, तो भाई मेरा 50 टीआर का है, मेरा 25 टीआर का है। तो कूलिंग टावर कैपेसिटी क्या है, हीट रिजेक्टेड इन किलो कैलोरी पर आवर और टीआर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो उसका कैलकुलेशन क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला से आपको मिलेगा कि कितना टीआर का आपका है, और या तो फिर आपको डिजाइन करना है तो कितने टीआर का मुझे डिजाइन करना है। तो ये एक हो गया। अभी आपने इसमें देखा कि मैंने बोला वेट बल्ब टेम्परेचर अप्रोच में, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, वो कैसे मेजर करते हैं? तो आप देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है कि जब एक नॉर्मल थर्मोमीटर को आप एक कपड़े, गीले कपड़े से उसको कवर कर दीजिए नीचे के बल्ब को, ठीक है। और नीचे के बल्ब को कवर करने के बाद आपको क्या है, उसको वर्लिंग करके घुमाना है, गोल गोल जैसे घुमाते हैं वैसे वर्ल करना है। तो एयर फ्लो जो है वो नेचुरली मेरा जो एवोपरेट कितना एम्बियंट से भी वो कितना कम तक मेरा टेम्परेचर को डाउन कर सकता है, तो एक टेम्परेचर आएगा। अगर मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर इट मीन एम्बियंट 32 है, तो मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा टेम्परेचर 30 तक आएगा, 28 तक, 29 तक आएगा। तो वो जो आया वो मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर है। वो एक्चुअली क्या है कि ड्राई बल्ब मतलब एम्बियंट टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ड्राई बल्ब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिला के अपना हम वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारी ह्यूमिडिटी 100% है उस टाइम पे मेरा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब इक्वल हो जाएगा और कोई भी वाटर एवेपरेट होगा नहीं। बट हमेशा जब ह्यूमिडिटी हमारी 100% से लो है तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब से कम ही रहता है। अभी और एक कंडीशन है, अगर आपने अपने सम्प में एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए चिलर लगाया, कुछ लगाया है, तो हो सकता है कोई कोई एटमोस्फेरिक कंडीशन में आपको कूलिंग टावर को हीट लोड ही नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा वेट बल्ब भी मेरा 32 डिग्री है और मेरा चिलर से ही पानी 30 डिग्री सम्प में आ रहा है, तो मेरे कूलिंग टावर पे कोई हीट लोड है ही नहीं। वो कंडीशन में क्या होगा, विदाउट अ हीट लोड वाटर फ्लोइंग थ्रू द टावर विल इक्वलाइज एट द एयर वेट बल्ब टेम्परेचर और फ्रॉम आइस। आइस की बात क्या है, जहां बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है वो कंडीशन में आइसिंग होता है। बट हमारे केस में अगर इंडिया में जहां गर्मी है वहां पे हम देखेंगे तो क्या होगा कि अगर मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर ऑलरेडी कम है मेरा इनलेट से, तो मेरा इनलेट वाला पानी को वो इक्वलाइज करने का ट्राई करेगा वेट बल्ब तक, तो पानी मेरा और थोड़ा वेट बल्ब तक इक्वलाइज होगा। तो वो कंडीशन में हमको कूलिंग टावर बंद रखना चाहिए, या तो हमको VFD टू स्पीड फैन या कुछ भी इंटरलॉक लगाना चाहिए। ओके दोस्तों, अभी हम देखेंगे कूलिंग टावर के मटेरियल और इसके कंपोनेंट्स। कूलिंग टावर में क्या है, जनरली देखेंगे तो आपको एक ऊपर फैन रहता है, उसके बाद एक स्प्रे सिस्टम रहता है जिसमें से नोजल्स के थ्रू हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रे होता है जो फिल्स पे जाता है, वेट डेक फिल बोलते हैं। फिल मीडिया अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है, और नीचे बेसिन रहता है जिसमें मेरा कोल्ड वाटर इकट्ठा होता है, ठीक है। और ऊपर पाइपिंग रहता है जहां से इनलेट आता है, नीचे से आउटलेट जाता है, और क्रॉस फ्लो और कूलिंग काउंटर फ्लो में मेरा फिल मीडिया अलग अलग जगह पे सेट रहता है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा क्रॉस काउंटर फ्लो में यहाँ पे रहता है मेरा फिल्स, और क्रॉस फ्लो में यहाँ पे रहता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आज हमने सीखा कूलिंग टावर के सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, कैसे वो हीट ट्रांसफर करता है, कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है। फिर हमने देखे कूलिंग टावर कितने टाइप का रहता है, इंड्यूस ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट, क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो, नेचुरल ड्राफ्ट। और उसके बाद हमने कूलिंग टावर की टर्मिनोलॉजी पे जो मेन मेन रेंज, अप्रोच, उसके एफिशिएंसी, कूलिंग कैपेसिटी क्या बोलते हैं, वो सब के बारे में सीखा। उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर जो सबसे मेन टर्म है कूलिंग टावर की, वो क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखा। उसके बाद कूलिंग टावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सीखा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसमें अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं।